हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि आज SSC स्टैनो का जो है ग्रुप सी और डी का टाइपिंग हुआ था हिंदी वाला, कल इंग्लिश वालों का है। देखिए, मेरा मेन मोटिव था इस वीडियो बनाने का, मैं भी देखा वहाँ पे गया था तो रिव्यू थोड़ा बहुत लिया था। वहाँ पे मैंने देखा क्या कि जो लोग ऑलरेडी सेलेक्ट हैं और जिनका होम टाउन मतलब जिनका जॉब यहीं कर रहा है कानपुर में, उसके बाद भी वो सेलेक्ट हैं यहाँ पे, उसके बाद भी वो टाइपिंग दे रहे हैं। तो ये मानता देखिए, आप सेलेक्ट हैं उसके बाद भी आप टाइपिंग दे रहे हैं, कितनी बड़ी गलती है। आपको बगल में ही मतलब ऑफिस यही मिला हुआ, उसके बावजूद भी आप कहीं ना कहीं किसी विद्यार्थी की सीट मार जाएंगे सेलेक्ट होने के बाद। तो ये तो गलत काम है, इस तरीके से आप करना नहीं, करिए नहीं। अगर आपको लगता है कि आपके में बहुत टैलेंटेड है, या घर में आपको बताना है, 10 लोग को मोहल्ले परिवार में बताना कि भाई मैं 10वां क्वालिफाई था SSC स्टैनो, 10वां क्वालिफाई था, तो भाई वो बताना लाइक की अलग की बात है। अगर आप में टैलेंट है तो आप UPSC दीजिए, UPPSC दीजिए या SSC सीजल दीजिए, लेकिन इस तरीके से हरकतें ना करिए। ठीक, आपको लगता है कि मैं जहाँ भी जाऊँगा मैं सबको बताऊँगा, तो भाई इसके लिए आप YouTube पे काम करना स्टार्ट कर दीजिए। YouTube पे वीडियो डालिए, अपने बारे में बताइए कि मैं इस तरीके से तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन किसी की सीट ना खाइए, पहली बात ये। दूसरा ये कि अगर आपकी मेंटलिटी इस लेवल की हो सकती है, हो सकता हो कि आपको और दूसरा मतलब एक तरीका ये भी है कि बताना है मुझे सभी बच्चों में, जहाँ मैं एग्जामिनेशन में जाऊँ वहाँ पे मैं बताऊँ कि मैं इस जगह सेलेक्ट हूँ, बस मैं ऐसे देने आया, तो तीरंदाजी करने आया। तो भाई ये सब हरकतें ना करो, किसी बंदे की जेन्यून सीट ना खाओ। इसी तरीके से SSC CGL में होता है, सेम पोस्ट के लिए लोग अप्लाई करे रहते हैं, और कहीं ना कहीं जो अच्छे विद्यार्थी उनकी सीट खा जाते हैं, एक दो नंबर से हुआ पता चला उसी हिसाब से गड़बड़ कर दिए और उन्हें अच्छे सीट बच्चों की सीट खा ली। ठीक, तो अगर आपको लगता है आप SSC CGL में सेलेक्ट हो, उसके बाद उससे बड़ी पोस्ट आप UPSC निकालो या UPPSC करो। ठीक, क्यों किसी की सीट मार रहे हो? इस तरीके से हरकतें दोगलापन नहीं करना चाहिए किसी भी विद्यार्थी के लिए। ठीक है, अगर आप सेलेक्ट हो, आपको लगता है कि आप में बहुत टैलेंट है, तो आप UPSC दो। मेरा मानना ये है, सेम पोस्ट के लिए आप हरकतें करो, वही आगे एग्जामिनेशन दो, तो वो बहुत गंदा तरीका है। ठीक है, आप कहीं ना कहीं जो बेचार जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, 10-10 12-12 घंटे रण मरा रहे हैं, कमरे में पढ़ रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, उनके लिए आप धोखा कर रहे हो। ठीक, दूसरा बहुत लोग को मैंने देखा कि सक्सेस पा गए हैं, उसके बाद भी वीडियोस डाल रहे हैं, यहाँ जा रहा वहाँ जा रहा। तो भाई सब कुछ करो, लेकिन बच्चों के साथ खिलवाड़ मत करो। ठीक, अगर आपको लगता है कि आप बच्चे के लिए कुछ कर सकते हो, विद्यार्थी के लिए कुछ कर सकते हो, तो अगर आप जिसमें भी स्ट्रांग हो, मैथ में हो, इंग्लिश में हो, GS में हो, जिस भी मतलब आपका सेक्टर अच्छा है, उसकी फ्री यूट्यूब पे क्लासेस डालना स्टार्ट कर दो। उसमें तो मान लीजिए डेटा रिचार्ज, उस पर फ्री डेटा मतलब आप अपनी क्लासेस डालने, कम से कम विद्यार्थी का भला तो होगा। ठीक, इस तरीके से बताना कि मैं पब्लिसिटी ये है, मैं वो हूँ, तो वो तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी बात है आपका। ठीक, तो वो गलत तरीका है दूसरा, क्योंकि उससे क्या है, बच्चे जो डिस्ट्रैक्ट होते हैं कि आप हो, चलो अच्छी बात है, आपके सब्सक्राइबर हैं, मिलियन हैं, लाखों में सब्सक्राइबर हैं, आपने पोस्ट डाली तुरंत बच्चा क्लिक करेगा, तो आप उसकी मानसिकता से खेल रहे हो, वो गलत है। सेलेक्ट हैं, अगर आपको लगता है और अच्छा मतलब आपके टैलेंट है, तो UPSC देना स्टार्ट कर दीजिए। दूसरा, आपके में टैलेंट है तो आप अपना एक इंडिविजुअल क्लास, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, कोई भी आप देना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो ये मेरा मेन व्यूज़ था, मेन पॉइंट ऑफ व्यूज़ था कि जो बंदे सेलेक्ट हैं वो सेम पोस्ट के लिए अप्लाई ना करें। अगर SSC स्टेनो में सेलेक्ट है तो स्टेनो का ना देने आए, SSC CGL दें, CGL में सेलेक्ट है तो भैया UPSC दें, ये UPPSC दें, सेम के लिए ना करें, ताकि किसी विद्यार्थी की सीट ना मारे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।